नमस्ते दोस्तों, तो हैप्पी नवरात्रि। तो आज ये सबके यहाँ तो प्रसाद बन रहा होगा, और मैंने भी बहुत सिंपल तरीके से बनाया है। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है घी, और जितना बाउल मैंने ये लिया था सूजी, उतना ही मैंने चीनी लिया है। और यहाँ देखिए घी मैंने डाला, और घी थोड़ा सा आप और ज़्यादा डाल सकते हैं, मैं थोड़ा कम ही डाली हूँ अभी, लास्ट में डालूँगी मैं। तो अभी घी को मैं भूनूंगी, गोल्डन कलर हो जाएगा, उसके बाद मैं इसमें डालूँगी चीनी। और ये मैं अलग तरीके से बना रही हूँ, दूध डाल के नहीं बना रही हूँ, या फिर वो शुगर वाला पानी डाल के नहीं बना रही हूँ। ये मैं शुगर डालूँगी उसके बाद पानी डालूँगी, जैसे कि नॉर्मली बनता है। तो ये देखिए कलर चेंज होने लगा, इसको थोड़ा देर में और भूनूंगी। और ध्यान रहे ये जले ना, इसको एकदम मीडियम टू लो पे बनाना है। और इधर मैं बना रही हूँ चना, तो यहाँ मैंने अदरक को ऐसे काट लिया है, और टमाटर को भी, और मैंने वहाँ घी बैठा दिया था थोड़ा सा कढ़ाई में। और ये मैं तीनों चीज़ डाल रही, अब नमक डाल रही हूँ और मसाला। और मसाला में मैं डाल दूँगी धनिया पाउडर, और फिर उसके बाद सारे मिक्स्ड मसाले, ज़ीरा पेपर और रेड चिल्ली पाउडर। धनिया ज़्यादा डालना है आपको, या फिर आप चाहें तो एक बाउल में ये सारे मसाले को डाल के भिगो के रख दे, वो भी टेस्ट अच्छा आता है। तो लेकिन मैंने डायरेक्ट सूखा डाल दिया, उसके बाद मैंने पानी डाला। अब इसको 3 से 4 मिनट में पकाऊंगी मसाले को, और जब पूरे अच्छे से भून जाए तब इसमें मैं चना डालूंगी। और यहाँ हमारा सूजी भी रेडी हो गया है, और मैंने इलायची कूट के डाल दिया था 4 इसी पॉइंट पर। अब मैं डाल दी हूँ शुगर, देख लीजिए आप, और थोड़ा सा मैं कम ही डालती हूँ। आप जितना सूजी ले उतना ही डालें चीनी, लेकिन मैं तो थोड़ा कम डालती हूँ, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा सबको नहीं खाना मीठा, किसी किसी को, इसलिए। तो यहाँ मैंने कर दिया, उसके बाद मैं इसमें डालूँगी पानी, पानी नॉर्मली है। और ये हो जाएगा, आप चाहें तो इसमें नारियल ग्रेट करके भी डाल सकते हैं, पर मैं एकदम ये बना रही हूँ प्लेन, क्योंकि थोड़ा सा पूजा में वैसे ही रहता है तो बढ़िया रहता है। बस ड्राई फ्रूट्स डालूँगी ऊपर से। तो यहाँ हमारे मसाले भी भून गए हैं और चिपकने लगे हैं ये कढ़ाई से, यानी कि मतलब ऑयल बाहर आने लगेगा थोड़ी देर में। तो अभी मैं चना डाल रही हूँ। चना को मैंने ओवरनाइट सोक करके बॉईल कर लिया था 3 आलू के साथ, लेकिन मैं आलू बस एक ही डालूँगी, ज़्यादा नहीं डालूँगी, वो भी ग्रेवी की, मतलब थोड़ा सा थिक होने के लिए। तो यहाँ मैंने डाल दिया चना, और मैंने चौके में डाला था तेज़पत्ता, हींग, ज़ीरा और टमाटर, अदरक थोड़ा बड़ा साइज़ का काट के। और यह हमारा ये हलवा भी रेडी हो गया है। मुझे थोड़ा सा ये पानी कम लगा, तो मैं थोड़ा सा गर्म पानी डालूँगी बाद में। हो जाएगा, और ये हमारा चना भी रेडी हो गया है। अब इसमें मैं बस गर्म मसाले डालूंगी, और आप चाहें तो छोला मसाला भी थोड़ा सा डाल लें, लेकिन मैं पूजा का है तो अभी नहीं डाल रही हूँ। तो ये देखिए हमारा हलवा रेडी हो गया, बस मैंने ड्राई फ्रूट्स इसमें मिलाने हैं, तो वो मैं मिला दूँगी। और इस पॉइंट पे आप 1 स्पून घी डाल दें तो टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और बस पूड़ियाँ निकालनी बची हुई है, जो कि हम माता रानी को भोग लगाएंगे। तो ये हलवा रेडी है, अब इसमें मैं कटा हुआ ड्राई फ्रूट्स डाल दूंगी बस लास्ट में। और हमारा ये चना भी रेडी है, इसमें थोड़ा सा मैंने पानी डाला था, ग्रेवी वाली नहीं बना रही हूँ, ड्राई बना रही हूँ, क्योंकि ये प्रसाद के लिए ये बनता है ना। और फिर देखिए इसमें मैंने एक आलू पूरा मैश करके डाल दिया था, ताकि अच्छा रहता है इसे टेस्ट। और लास्ट में मैं गर्म मसाला डाल रही हूँ। इसके बाद इसको मैंने कवर नहीं किया, क्योंकि मैंने बॉईल ही कर लिया था तो ये पक गया था पूरा। और मिर्च को भी खड़ा ही आप थोड़ा सा काट के डालें, और लास्ट में मैं धनिया डाल दूँगी। और ये देखिए हमारी पूड़ियाँ रेडी हो गई हैं। पूरी बना रही थी जो कुक आई थी, और इन्होंने ये भी बनाया है आलू गोभी की सब्ज़ी और मटर।